Come on, make some noise, yeah. For this very amazing, for this very bindaas filmmaker. Anurag sir, welcome and congratulations. You know, hello. ऑलमोस्ट प्यार हो रहा है डीजे मोहब्बत के साथ. तो सबसे पहले तो आप मेरे को बता दो, ये जेन जी के लिए जो लेके आए हो आप, और पूरा स्पेक्ट्रम, यू नो, यू ऑलवेज कवर दैट, फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासेपुर टू ब्लैक फ्राइडे टू दिस, यू हैव कवर्ड एवरीथिंग. कैसे हुआ, क्या हुआ, प्लीज इसकी जर्नी बताइए. ये इसकी जर्नी बहुत सिंपल सी है. और जब आपके बच्चे होते हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब आपसे गुस्सा होता है, एक दिन नसीब हो गया कि मेरी बेटी बहुत अपसेट थी, होती आप नहीं समझते हो, मम्मी नहीं समझती है मुझे, वो जोन में. एंड देन शी वांटेड टू हैव अ चैट विद मी. ओके. एंड शी टॉक्ड, एंड धीरे 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 बहुत सारी चीज़ें. तो हम लोग के लिए, जो हम लोग समझदार हो जाते हैं, हमें लगता है कि अभी हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ गए. ये जो जनरेशन है वो उसके बाद कर रही है, एक्सेप्ट करने तरीके ऐसी ही है. इनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप से समझौता नहीं करना पड़ता, कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करने का. हम लोग रिप्रेस टाइम चाहते हैं, हम लोग क्यों, मतलब पहले भी सोचना बड़ा मुश्किल होता था कि एक लड़का और लड़की साथ में बैठे तो हमारे फिल्म का फेमस डायलॉग है, लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते. वो हमारे जमाने का है, ये जमाना बदल गया. दैट वर्ल्ड इज चेंज्ड. लड़का लड़की दोस्त होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं. तो वो जो वर्ल्ड है ना, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड एज यू सेड. लेकिन पहले होता था ना, घर वालों को बताना भी कि वो लड़की के साथ क्या कर रहे थे, कहीं दिख भी गए तो वो जस्टिफाई करना पड़ा. आज के बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं अगर आप पूछो तुम क्या कर रहे थे लड़के, तुमसे मतलब. वो जमाना बदल चुका है, राइट. यू नो, मैवरिक्स के साथ ऐसे ही होता है.